अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वाला जो वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है मस्जिद नबी का। ये कुछ दिनों पहले एक शख्स ने रिकॉर्ड करके YouTube के ऊपर पोस्ट किया था। आज इस वीडियो के अंदर जानते हैं इस वाले वीडियो की हकीकत क्या है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि एक शख्स ने मस्जिद नबी के अंदर इमाम मेहंदी होने का दावा किया है। वह शख्स मस्जिद नबी के अंदर खड़ा होकर ये कहने लगा कि मैं इमाम मेहंदी हूँ और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और उस शख्स ने अपना नाम भी मोहम्मद बताया और अपने वालिद का नाम भी अब्दुल्लाह बताया। ऐसे अचानक से एक शख्स का उठकर ये कह देना कि मैं इमाम मेहंदी हूँ तो लोग भी शॉक हो गए और उससे सवालात करने लगे और वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगी और कुछ लोगों ने उसका वीडियो निकालकर सोशल मीडिया साइट के ऊपर डाल दिया और कुछ लोग तो लाइव भी कर रहे थे वहां से। और इन सब गड़बड़ के बीच में वहां पे सऊदी हुकूमत की पुलिस भी वहां पे आ गई और पुलिस ने आखिर उस शख्स के साथ में क्या किया, हम आगे इस वीडियो के अंदर जरूर जानेंगे। और इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी जानते हैं जो इमाम मेहंदी के बारे में और कयामत के बारे में हदीस से साबित है और इन बातों का हम सबको जानना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को आगे तक जरूर पहुंचाएं। देखिए मेरे दोस्तों, हदीस से साबित है तब तक कयामत नहीं आएंगी जब तक इमाम मेहंदी इस दुनिया में नहीं आएंगे। देखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी की ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जब तक इमाम मेहंदी को इस दुनिया में नहीं भेजेगा तब तक कयामत आएगी नहीं। और इमाम मेहंदी का नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह बताया जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमाम मेहंदी कोई नबी बनकर नहीं आएंगे, वो एक उम्मती बनकर इस दुनिया में आएंगे। और जिस वक्त में इमाम मेहंदी का इस दुनिया में नुजूल होगा उस वक्त में इमाम मेहंदी खुद होके बताएंगे नहीं कि मैं इमाम मेहंदी हूँ, बल्कि दुनिया भर के उलमा उनको पहचानेंगे और उनके हाथ पर बैत होंगे। और इमाम मेहंदी के जाहिर होने के बाद में सीरिया से एक हमला इमाम मेहंदी के ऊपर होगा, लेकिन उस फौज को अल्लाह ताला जमीन के अंदर धंसा देंगे। और उस वक्त में खुरासान से एक फौज निकलेगी जो इमाम मेहंदी के लिए लड़ेंगी और उनकी मदद करेंगी। ये जितनी भी चीजें हैं ये हम सबको जानने की जरूरत है क्योंकि ये हदीस से साबित है। क्योंकि आजकल के लोग सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादातर भरोसा कर रहे हैं जबकि ये गलत है। कोई भी वीडियोस उठाकर पोस्ट कर देता है और हम उसके ऊपर यकीन करके बैठते हैं। कोई भी उठता है, कोई भी नबी होने का दावा करता है और हम जैसे लोग उसके ऊपर यकीन कर बैठते हैं। लेकिन हमें इस बात का इल्म होना जरूरी है कि कयामत की निशानियों के अंदर अल्लाह के नबी के हदीस से साबित क्या चीजें हैं और कयामत की निशानियां किन किन चीजों के अंदर बताई गई है और कौन सी निशानियां हदीस से साबित है। हमें इस बात के ऊपर जरा सा गौर करके इसके ऊपर रिसर्च करने की ज्यादा जरूरत है। और आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आजकल में कोई भी शख्स अगर आपको कह दे कि मैं इमाम मेहंदी हूँ या मैं फला फला नबी हूँ तो उसके ऊपर यकीन ना करें। और सबसे बड़ी बात, हम सब जानते हैं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया के आखिरी नबी थे और इसके बाद में कोई नबी नहीं आएगा क्योंकि अल्लाह ताला ने नबुवत का दरवाजा बंद कर दिया है। और कोई भी नबी अगर इसके बाद में आता है तो उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर इस दुनिया में आना होगा। और हम सबको इस बात के ऊपर एहतियात करने की जरूरत है। अभी फिलहाल तो चंद ही लोग आए हैं लेकिन इसके बाद में आने वाले दिनों में इन लोगों की तादाद काफी बढ़ जाएगी, तो इसके ऊपर हमें एहतियात की जरूरत है। और आप सब जानते है कि आज भी इंडिया के अंदर शकील बिन हनीफ नाम का फितना जारी है। ये लोग नादानी में आके, गुमराही में आके नबी होने का दावा करते हैं लेकिन इन्हें ये बात नहीं पता कि नबुवत का दरवाजा अल्लाह ताला ने बंद कर रखा है। अब कोई नबी आने वाला नहीं है। सऊदी हुकूमत ने वहां पर आके इस शख्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और अपनी हिरासत में ले लिया। आप स्क्रीन के ऊपर जो लेटर देख रहे हैं ये सऊदी हुकूमत के पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस शख्स को गिरफ्तार करने के बारे में। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार करके इस शख्स के ऊपर इल्जाम लगाया है कि इस शख्स ने मदीना मुनव्वरा के अंदर घुसकर नबी होने का दावा करते हुए मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और इसी कानून के तहत इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। काश हमारे मुल्क के अंदर भी इस तरह का कानून होता और शकील बिन हनीफ नाम का फितना जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाता। और आखिर में सबको ये बात जानने की जरूरत है कि इमाम मेहंदी खुद होके ये बात नहीं बताएंगे कि मैं इमाम मेहंदी हूँ, उनको दुनिया भर के उलमा पहचानेंगे और उनके हाथ के ऊपर बैत करेंगे। और आप सबसे तहे दिल से ये दरख्वास्त है कि आप खुद की, आपके फैमिली की, आपके रिश्तेदारों की और आपके दोस्तों की ऐसे फितनों से हिफाजत करे। तो दुनिया का इल्म तो हम रखते हैं लेकिन इस्लाम के बारे में इल्म हासिल करिए क्योंकि इल्म का होना जरूरी है। आपकी इस वीडियो के बारे में और इस फितने के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन के ऊपर प्लीज प्रेस करके रखिए ताकि मेरे वीडियोस के अपलोड के बाद में आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।